बस हो गया, अब बात करते हैं मार्स के, यानी अपना नया घर। नया घर बस कुछ लोग कह रहे हैं, अब होगा नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है कि आने वाली टेक्नोलॉजीज क्या कहती है इसके बारे में। फिलहाल बात करते हैं मार्स की। तो ये रहा अपना मार्स, विजिट करते हैं मार्स पर ताकि एक्चुअल का साइज पता चले। ये है मार्स, और जैसे कि जानते हो आप, मार्स जो प्लैनेट सिस्टम है उसके बाद खुद के दो नेचुरल सैटेलाइट है, एक का नाम है डायमोस, एक का नाम है फोबोस। इसको डीएमओस भी बोलते हैं बहुत से लोग, जो बोलना है वो डायमोस और फोबोस। अच्छा, इनको कुछ साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमिस्ट ने इनको कुछ अलग अलग नाम दिया है, क्योंकि देख के तुम भी कहोगे एक का शेप आलू जैसा है, एक का शेप नींबू जैसा है। देखो जैसे फोबोस के बारे में बात करते हैं। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि तुम लोग को तो पढ़ाया गया कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है बहुत बड़ा मास होता है, उसके पास खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। तो जब ग्रेविटेशन फोर्स होगा तो इसका शेप अपने आप गोल हो जाना चाहिए, लेकिन गोल क्यों नहीं है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है, तुम लोग को पता होगा कि जब ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ग्रेविटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या वो ग्रेविटी जो है मास को अपने तरफ घसीटती है, तो वो देखती है कि मास के साथ साथ उसका वेट क्या है। अभी बता दें कि मास और वेट अलग अलग होता है, ठीक। तो जो जहाँ पर वेट, जैसे मानो यहाँ पर 10 किलो है और यहाँ पर 5 किलो है, तो 5 किलो और 10 किलो को ग्रेविटी सेम रेशियो से खींचेगी। जब सेम रेशियो को खींचेगी तो 5 इधर का आ जाएगा, 5 इधर का आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 का जो 5 इधर आ गया है और 10 का जो 5 बच गया है, वो 5 वहीं पर रहेगा, यानी वो थोड़ा कुबड़ जैसा बन जाएगा। इसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे और अच्छे समझेंगे जब ये क्लास खत्म हो जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं फोबोस की तरफ, विजिट करते हैं फोबोस को। वेट फॉर अ वाइल, विजिट। ये फोबोस, इसका शेप देख लो आप, आलू या नींबू जैसा लग रहा है, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। फिलहाल इसके बारे में भी पढ़ सकते हो कुछ, जैसे इसका डायमीटर क्या है, 27 किलोमीटर, यानी मास इसका है 1 × 10⁻⁶ kg। अच्छा होता मास है। उसके बाद इसकी डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस को समझ जाओ, मतलब क्योंकि सर्कुलर पाथ नहीं, बार बार वही बात करते रहेंगे हम लोग। रोटेशन स्पीड क्या है, इसकी पीरियड क्या है 7 घंटे, ऑर्बिटल पीरियड क्या है 7 घंटे। बहुत ही यूनिक चीज, जैसे अपना मून है। अच्छा ये क्या मतलब, रोटेशन मतलब अपने आप घूम भी रहा है उसी पीरियड में, और जो अपना जो मार्स है, इसका जो प्लैनेट है, उसके भी वही टाइम लग रहा है, यानी जितना टाइम इसको खुद घूमने लग रहा है, खुद घूमने में लग रहा है, उतना ही टाइम इसको पूरा इसका जो ऑर्बिटल पाथ है इसको कवर करने में लग रहा है, यानी दोनों सेम टाइम कह सकते हो दूसरी लैंग्वेज में कि इसका एक साल इसके एक दिन के बराबर है, एक दिन इसका एक साल के बराबर है। ग्रेविटी कितनी, ग्रेविटी देखो कितनी है 0.006 meters per second। यानी ऐसे लोग भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, लोग को मतलब ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ग्रेविटी समझ में, अगर तुम्हें अंदाजा यहाँ पे थोड़ा देना चाहिए, अगर यानी ऐसा मान लो जैसे यहाँ पर किसी का वेट 6000 kg, 6000 kg मतलब मान लो 2-3 ट्रक है, उसका वेट यहाँ पर 6 kg हुआ, सिर्फ 6 kg, वही जो डंबल उठाते हो 5 किलो के 6 किलो के उतना, यानी यहाँ के दो तीन ट्रक अर्थ के इस पर आते हुए सिर्फ और सिर्फ 6 kg हो जाएंगे। तो ये होता है ग्रेविटी का खेल। फिलहाल सर्फेस टेम्परेचर बहुत है, कम है, मतलब -40°C, लाइफ बन सकती है क्योंकि -40° तो झेल सकते हैं, बट सभी नहीं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। फिलहाल इस पर साइंटिस्ट लगे हुए हैं, ठीक, इस पर लगे हुए हैं, और सैटर्न जुपिटर के जितने मून्स हैं उस पर लगे हुए कि कहीं ना कहीं हम लोग को लाइफ का ज़रा समय अंदाजा मिल जाए। तो बात करते हैं इसके, एनसाइक्लोपीडिया देख चुके हैं, प्लैनेट सिस्टम पे आते हैं। अब फोबोस के बाद दूसरे की बात करते हैं, जो कि नाम है डायमोस। इससे काफ़ी दूर है इसका दूसरा मून या सैटेलाइट, जिसका नाम है डायमोस। ये रहा डायमोस, देख सकते हो आलू जैसा शेप, पूरा आलू जैसा शेप। प्लैनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो ये इसका प्लैनेट सिस्टम है, और एनसाइक्लोपीडिया इसकी 15 किलोमीटर डायमीटर, यानी ये फोबोस से छोटा है, वो 22 अराउंड था, ये 15 किलोमीटर है। इसका मास देख सकते हो, इसका डिस्टेंस देख सकते हो फ्रॉम प्लैनेट मार्स। इसकी रोटेशन स्पीड देखो 1.26 डे, बहुत ही स्पीड है इसकी, मतलब ये दूर भी है, मतलब इमेजिन करो कि जो मार्स के करीब है उस पर इतनी ग्रेविटी लग रही कि उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, और इतनी दूर है कि इसका जो रोटेशन रोटेशन पीरियड है, वो रोटेशन और ऑर्बिटल पीरियड दोनों, वो अपने अर्थ के बराबर है लगभग 1.26 डेज, मतलब एक ही दिन में पूरा चक्कर लगा लेना, एक दिन में पूरा रोटेशन इसका कंप्लीट हो जा रहा है। सरफेस टेम्परेचर वही सेम -40°C। इसको अगर बहुत ही डीप में समझे ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दूर बहुत है बट सरफेस टेम्परेचर दोनों का सेम है। ग्रेविटी 0. जैसे वो तो यहाँ पर 6000 kg, 6 kg के बराबर है, यहाँ पर क्या है 3000 kg, यानी 3000 kg होगा अर्थ का, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 kg का हो जाएगा। बहुत ही उम्दा चीज़ है, ये डायमोस हो गया, और ठीक है एनसाइक्लोपीडिया के बारे में देख सकते हो, ये तो देख लिया हमने, ठीक है। ये मार्स के मून के बारे में बात हो गई, अब थोड़ा मार्स के बारे में देख लेते हैं, जो कि अपना नया घर हो सकता है। विजिट करते हैं सबसे पहले मार्स पर। ये है मार्स, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। डायमीटर क्या है 6792 किलोमीटर, लगभग अर्थ के जैसा। मास देख सकते हो 6.4 × 10⁻³ kg, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते बट लगभग ऑलमोस्ट अप्रॉक्स तो है अपने अर्थ की तरह, ठीक, अच्छा खासा, मतलब उसमें 6 × 10⁻²⁴ kg है, और इसी सिर्फ 10³ kg है। मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन आ सकता है, ये ध्यान रखना, अर्थ और मार्स जो होते हैं अपने हैबिचुअल बॉडीज़ के अंदर आते हैं, हर एक सोलर सिस्टम का अपना एक हैबिचुअल बॉडीज़ होता है, मतलब हैबिचुअल जोन होता है, वहाँ पर ये लाइक करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, यानी यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। इट्स जस्ट लाइक अपना अर्थ की एक दिन, देखो इसका भी बस एक साल थोड़ा, इसका मतलब हम लोग का एक साल इनका लगभग 2 साल के बराबर है, देख सकते हो ना, इलिका सोलर ऑर्बिट पीरियड, ये क्या है, अरे सन है उसको पूरा चक्कर लगाने में इसको 1.88 ईयर लगते हैं एज कम्पेयर टू अपनी अर्थ। ग्रेविटी देख सकते हो बहुत कम है, 3.7 meters per square, यानी अपने अर्थ से 1/3। अपने अर्थ पर अगर मेरा वेट कितना होगा, जैसे मान लो 3 kg का होगा, मान लो 3 kg, सपोज 3 kg, तो यहाँ पर वो चीज़ कितनी की हो जाएगी, 1 kg की हो जाएगी। अपने अर्थ पे 30 kg का हो जाएगा, यहाँ पर 10 kg का हो जाएगा।
और टेम्परेचर समर में यहाँ पर समर विंटर भी हो सकता है, हो सकता नहीं, हम लोग ने खोज निकाले हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट इसलिए हम लोग खोज निकाले हैं, बाकी हम लोग को अभी लाइफ पॉसिबल ही नहीं तो फिर निकालेंगे क्या। तो टेम्परेचर समर में यहाँ पर 17 डिग्री सेल्सियस झेल सकते हैं, आराम से झेल सकते हैं। विंटर में -140 ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। बाकी आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन को पॉज करके मूव्स हैं इसके बारे में पढ़ लिया हम लोग। मिशन ये मिशन चल रहे अपने आप देखेंगे, हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मिशन देखेंगे इससे क्या क्या चलना है। हालांकि एक और चीज़ बता दें, डिस्क्रिप्शन पे जाकर एक लिंक शेयर कर देंगे, उसमें बहुत अच्छे से मिशन के बारे में बताया गया है। एक चैनल है, देखो सुनो और जानो, कोई मतलब यहाँ पर प्रमोशन नहीं हो रहा है, बस एज अ नॉलेज, क्योंकि हमें पर्सनली उसकी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप लोग भी देखने आगे, तो थोड़ी साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज अच्छी खासी तुम लोग मिल जाएगी, तो चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन को। उसके बाद स्ट्रक्चर देख सकते हो इसका, ये किस मटेरियल का बना है। फिर से सेम सी कस्ट मेंटल और कोर में क्या पार्शली लिक्विड आयरन निकल एंड सल्फर। देख सकते हो कि अपने सोलर सिस्टम में मेनली जितने भी सॉलिड रॉक्स हैं या सॉलिड प्लैनेट्स हैं उसमें ज़्यादातर सब में निकल और आयरन ही बना हुआ है। ये क्यों भरा है इसको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लो क्योंकि इनके भरे होने से यानी लिक्विड फॉर्म में होने से सर्कुलेशन फॉर्म बहुत अच्छा होता है और जिस इसी वजह से इनका कोर घूमता रहता है और इनकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती रहती है। और किसी भी सॉलिड प्लैनेट को एग्जिस्ट करने के लिए उसकी जो कोर होती है घूमना चाहिए, बहुत घूमना चाहिए, इतना घूमना चाहिए कि उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके, क्योंकि अर्थ क्योंकि प्लैनेट जो है किसी भी सन यानी स्टार जैसा अपना है उसके सामने कभी भी एग्जिस्ट कर नहीं पाएंगे या कह सकते हैं उसके आगे सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी होता है इनके कोर का घूमना, और कोर तभी अच्छा घूमता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जब उसके पास मोल्टन आयरन या निकल हो। और ऊपर की जो क्या कहते हैं ऊपर की जो इनकी परत होती है वो जरूरी बेसाल्ट रॉक की होनी चाहिए, क्योंकि बेसाल्ट रॉक क्या होता है अंदर के मटेरियल को बहुत अच्छे से थामे रखता है। बहुत बड़े लेवल की बात होती है लेकिन समझना पड़ेगा ये। उसके बाद लिखा है मेंटल में क्या सॉलिड सिलिकेट रॉक और क्रिस्ट में लिखो आयरन रिच बेसाल्टिक रॉक, इसीलिए कह रहे हैं बेसाल्ट हमेशा तुम्हें मिलेगा जहाँ पर भी हम लोग के प्लैनेट्स होंगे बहुत ही सॉलिड होंगे। तो अगर आप डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हो या अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते हो या इंक्रीज करना चाहते हो इस फील्ड में, तो ये सब तुम्हें थोड़े नोट्स के टाइप में लिखने पड़ेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर ऐसा है, मेंटल ऐसा है, कोर ऐसा है, देख सकते हो आप पढ़ सकते हो। तो ये रहा अपना प्यारा मार्स जहाँ पर हम लोग का अगला घर हो सकता है, ये देख सकते हो इसका, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल कहते हैं लोग, यहाँ पर बर्फ जमी हुई है और नीचे भी देखो बर्फ जमी हुई जस्ट लाइक अपना अर्थ। तो बहुत ही सिमिलरिटीज हैं इस प्लैनेट की।